चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मुझे वैसे प्यार से सारे प्रीतो बुलाते हैं। अच्छा प्रीतो बाजी, बोले क्या काम है? मैं ना महमूद से मिलने आई हूँ। कौन महमूद? ओ जिसका बड़ा सारा मुंह है। हाय तू मेरे मियां नुमान की बात कर रही है? और कैसे जानती है मिसनी? तू बोल। मैं उनकी दूसरी। हाय दूसरी बीबी। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं वो हो गई। वो क्या? वो जो लुटने के बाद होते हैं कंगाल। हाँ मैं लुट गई, मैं कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई। मेरे मिये ने दूसरी शादी कर ली, वो भी मेरे से 10 साल बड़ी औरत से। अब भाभी जी मेरी गल तो सुनो, मैं महमूद के दूसरे नंबर के फूफे की बेटी हूँ। ओए बदतमीज, पहले नहीं बता सकती थी? वो जी मैं ना अपनी ती की शादी की तैयारी करने आई हूँ। तो तेरा मिया नहीं आया साथ? वो तो कदू ना उठते चला गया। हाय हाय, चल प्रीतो फिर अंदर आ जा। आ जा आ जा। माँ जी क्या हुआ? हाँ मेरा महमूद बना, मैं तेनु किन्ना याद कीता। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता, आप कौन है? हाँ ये लग कैसे पहचानते, 16 साल की उम्र में ब्याह के मैं दूजे गांव चली गई थी। हाँ मसे वो दी आपकी 2 नंबर फूफो की बेटी है। क्या इनका मतलब है? दूसरे नंबर वाली फूफी की बेटी परवीन हूँ मैं। परवीन? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। नेक परवीन, मैं वो सब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है माँ जी की तरह। ए कौन है? ये मेरा पुत्र नजीर है। ओ पाजी तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा हो गया? अरे ये मेरा बेटा नहीं है, पता नहीं किसका। अब मेरे वालिद का नाम रोशू था। आप लोग आराम से बैठ के बात करें ना। वाह पाजी, नौकरानी तो बड़ी चंगी रखी जे गोरी चिट्टी। मैं नौकरानी नहीं, इस घर की मालकन हूँ। जब तू इस घर की मालकन है तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मुमताज हो। सुन लिया तूने प्रीतो, मैं इस घर की मुमताज हूँ। जी भाभी जी। वैसे प्रीतो तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ओ पाजी मेरी ती है ना डॉली, उदा ब्याह जी अगले महीने। अच्छा अच्छा पुप्पो जी, फिर तो आप दावा देने आई हुई ना। नहीं जी मैं तो यहाँ डॉली का जेज लेने आई हूँ, डॉली को ना शहर की चीजें बड़ी पसंद है। आप टेंशन ना लें प्रीतो पुप्पो, आप पैसे मुझे दे और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, मैं अपनी बहन का जेज खुद लाऊंगा। तो जरा मैं साह ले लेना, फिर आराम ना जेज दी लिस्ट बनाऊंगी। आपने अभी तक सांस रोका हुआ था? आप कुछ खाना वाना खाएंगी? ज्यादा कुछ नहीं पुत्र, 4 परौंठे खानिया मैं आलू वाले, जग लस्सी दा भी, बाकी जो तुसा पकाना तुहाडी अपनी मर्जी है ना। मेरी सादी जी खुराक ज्यादा नहीं खांदी मैं। ले वे नसरीन, फिर मेरे लिए भी ना 2 मूली वाले पराठे डाल दे। ओहो आलू वाले खा लो। बड़ी नखरे वाली है। आ नबील पुत्र जल्दी ना मेरा पैर दबा दे। पप्पा जी मेनू दे दियो, मैं बाहर लॉन च दबा देना। चल आ जा। आ जा आ जा, काम भी किया कर। नहीं खूबसूरत जी पप्पो। पलंग तेरे जहेज है? हाँ जी पप्पो। और क्या क्या दिया तेरे अब्बे ने जहेज में? ये पूरा घर मेरे पापा का दिया हुआ है। इसका मतलब है कि तेरा बाप तो बड़ा अमीर आदमी। जी जी मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर तो मेरी डॉली की शादी बड़े धूमधाम से कराएंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा क्यों कराएंगे आपकी बेटी की शादी? क्यों भाई, अब तो हम रिश्तेदार हैं, इतना हक तो बनता है ना हमारा। क्या और बता ना तेरे पास क्या क्या है? कपड़े तो तेरे बड़े अच्छे हैं, काम वाले जोड़े हैं तुम्हारे पास? जी हैं। तो फिर दिखा ना एक आध जोड़ा ना, डोली दे ब्याह दे दी, खुश हो जाएगी। जी अच्छा दिखाती हूँ। मुमताज तेरे पास इतने जेवरात है? और खबरदार मेरे जेवरात पे वो लगाई हो तो। वो क्या? वो जो तुम यहाँ वहाँ लगाती फिरती है दिल। वो जो मेरी बहुत खराब है। बहू पर तेरी बहू तो बहुत चंगी, नजर उतारा कर रोज उसकी। नजर? हाँ नजर, खबरदार मेरे जेवर पे नजर लगाई हो तो। लो जी मैं नजर क्यों लगाऊंगी, मुझे पूरा यकीन है 1 सेट ते 2 कड़े जरूर तू डॉली को ब्याह में दोगी, आखिर मामी है तू उसकी। चल नबील पुत्र लिख 2 गधे ते 4 रजाइयां। अरे तुम गधे लिखो, तुमने गधे लिख दिया है। माफ कीजिए। और चांदी के 6 लोटे।
चांदी के 6 लोटे क्या करने हैं भाई? वो मेरे पड़ोस में ना एक ब्याह हुआ था, उसने अपनी ती को ना 5 चांदी के लोटे दिए थे, कम से कम मुझे 6 तो देने चाहिए ना। तो इतने सारे लोटों की दुकान लगानी है उसने फुफो? और तू लिखते सही ना? लिख लिया है, आगे तो बताए। बस पुत्र लिस्ट नु एक बार पढ़ दे। अच्छा, फर्नीचर, एसी, टीवी, क्रॉकरी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाकी सामान मिलाकर फुफो जी कोई 10-12 लाख का सामान है। और बस पुत्र महमूद पाजी ना जाकर सारा सामान ले आ। ठीक है, तुम हमें पैसे दे दो, हम सारा सामान ले आएंगे। ठीक है फुफो जी, लाएं जल्दी से पैसे। ठीक। एलो पैसे। बस इतने से पैसे? हाय, पिछले महीने कमेटी निकली थी ना मेरे 20,000 की, अगर थोड़े बहुत काट जाए तो तुसी अपने कोलो पा लेना। अरे भाई, 20,000 रुपए में सारी चीजें कैसे आएंगी? आखिर मामू का भी कोई फर्ज होता है ना। कौन मामू? तुम और कौन, डोली के इकलौते मामू तो हो तुम, थोड़ा बहुत जेज नहीं दे सकते उसको? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आखिर महमूद साहब का भी कुछ फर्ज है। जी नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ, मेरी टोली का ब्याह हुण किन जोएगा, मैं बेवा औरत कित्थों ले आवांगी सारे पैसे। अच्छा भाई, अब तुम रो तो नहीं ना, बड़े धूमधाम से होगी डोली की शादी, क्यों नबील? जी जी जी, महमूद साहब डोली की शादी में एक टांग पे मुजरा करेंगे। अरे झुकते मत लगाओ भाई, मेरा मतलब है कहने का कि हम डोली के लिए जहेज का इंतजाम करेंगे। हम जो डोली के लिए करेंगे इंतजाम, वो जहेज का होगा? हाँ जी। अच्छा जी, शुक्र है सारा इंतजाम हो गया ना। देखा, इतनी सी बात थी। ये अच्छा हिसाब है, ये मेहमान से दरवाजा खुलवा रहे, हमारे पिंड में ऐसा नहीं होता। आप कौन? आप कौन मोहतरमा? मैं प्रीतो। और क्या हुआ बीबी? आप कौन है? मैं बट, इंस्पेक्टर बट। हाय, एना गबरू जवान। क्या आप अंदर आए ना, आए जल्दी से। हाँ चलो, मुझे नबील और महमूद से मिलना है। आयो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। ओए ओए ओए, बट साहब पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, आप तो जानते हैं कि मेरा कंजूस ससुर पैसे जो है ना वो दांतों में दबा के रखता है। नबील, खबरदार जो मेरे पापा का नाम लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं और से बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट, आप यहाँ से जा नहीं सकते। क्यों, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं पता? इनको खाली हाथ आप क्यों भेज रही हैं? क्यों आटे की बोरी थमा दे इनके हाथों में? अरे तो फिर क्या दे भाई? मेरा रिश्ता। हाँ, इनको देखते ही ना मैं अपना दिल दे बैठी हूँ। ये प्रीतो तो बड़ी छिछोरी निकली भाई। इसका मतलब ये है कि आप भट्ट साहब से शादी करना चाहती हैं? भट्ट साहब की चौथी होगी। मेरा ना बचपन से ख्वाब था मेरा ब्याह ना किसी फौजी के साथ हो। ओ भाई, मैं फौजी नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वर्दी तो आपने पहनी भी है ना। और सब फौरन जाए और शुरुआत भी पहन के आए यार। और यार ये क्या बकवास है, मुझे पैसों का जल्द से जल्द बंदोबस्त करना, मैं चलता हूँ। भट साहब, आप अगर मुझे छोड़ के गए ना, मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। भैया मैं कहाँ फंस गया यार, दलदल में। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। वैसे एक बात है पुत्र, ये जो शफीक की बहन है ना, ये है बड़ी दिल फेंक। ओ माँ जी, अपने भाई की तरह घटिया। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? आपकी महमूद साहब। मोमो, ये मत भूलो कि वो मेरी बहन है, जरूर बट के बच्चे ने उसे पटाया होगा। हाय मनवर, आपकी बहन बट के बच्चे से भी पिट गई है। नबील, नबील, आ, नबील, आ, ये
जान बचाना यार मुझे। ओ भट्ट साहब, आप कौन सा 5,000 का नोट है जो मैं आपको बचाऊं यार? अरे भट्ट साहब, इतनी सी तो फरमाइश है प्रीतों की, आप मान क्यों नहीं जाते? ओ भाई, मैं पहले से ही 3 शादियां करके पछता रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते वसीम। और ये वसीम कौन है? आपको कह रही है। और यार नबील, किसी भी तरह मेरी उस औरत से जान छुड़ा दो यार। वैसे वो औरत है बड़ी चलाक। मोमो, तमीज से बात करो। कहाँ है तमीज? वैसे पर्सन, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ओह थैंक यू यार नबील। खाली थैंक यू से बात नहीं बनेगी बट साहब। ओह फिक्र ना करो यार, मैं तुम्हारे दोनों गालों पे पप्पी दूंगा। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। लो नबील, अब तो तुम खुश हो ना? ओ महमूद साहब, मेरा मतलब ये नहीं था यार, बट साहब को पैसे देने होंगे। और यार नबील, तुम एक पुलिस वाले से रिश्वत मांग रहे हो? क्या आप अपनी रिश्वत की कमाई से हमें थोड़ी सी रिश्वत नहीं दे सकते? बिल्कुल ठीक कह रही है मोमो। थैंक यू रफाकत। और ठीक है यार, ये लो 10,000 रुपए, जान छुड़ाओ मेरी उससे। अरे बट साहब, इतने से पैसे? और यार मेरे पास अभी इतने ही है, मैं तो खुद तुम लोगों से मांगने आया था। बट साहब, वैसे शक्ल से भी आप बहुत ही गरीब तरीन पुलिस वाले लग रहे हैं। तो माँ जी, आप बट साहब को हौसला दे, मैं और महमूद साहब ना फुफो प्रीतो का बंदोबस्त कर गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये ठीक है, ये ठीक है। रो मत अकील शफीक, गए ना तेरा काम करने के लिए, कहती है ना, जा फिर 2 कप बना के ले। जा 2 कप बना के ले। बट माया तेरी राह पे तक नहीं आ, तारे तू पूछ ले वे चन, तू पूछ ले। महमूद पाजी, आपने मेरे ब्याह की बात चलाई है भट साहब के साथ? हाँ परी, तो 2-3 दफा चलाई है, लेकिन वो पंचर हो जाती है। ओ महमूद साहब, बात है या गाड़ी है यार, क्या हो गया आपको? ओ प्रीतो फुफो जी, वो आदमी पहले से शादी शुदा है, बल्कि खत्म शुदा है। ओ पुत्र, तू फिक्र ना कर, एक बारी मेरा ब्याह हो जाने दे भट साहब नाल, फिर इनकी सारी पुरानी बीवियों को बुला के ना पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। महमूद साहब, इनके इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं भाई। देखो प्रीतो, बट साहब इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तूने मनाए ना महमूद पाजी। अरे भाई, तुम तो यहाँ डॉली की शादी के लिए जहेज लेने आई थी ना। अब ना मैं डॉली के लिए नवाबा लेके जाना चाहती हूँ, कितना खुश होगी मेरी डॉली। ओ प्रीतो फुफो, थोड़ा सा कंट्रोल करें, बट साहब को इस शादी के लिए मनाना बहुत ही मुश्किल है। बस तू एक बार उन्हें मना ले ब्याह के लिए, मैं तुझे ना 20,000 रुपया दूंगी। अच्छा चले ठीक है, लाए दे फिर, देखे कमाल। कमाल को नहीं, व्हाट्सएप को राशि करना ब्याह के लिए, और वो जो मैंने 20,000 रुपए दिए थे ना डोली के जेस के लिए, वो इस काम के लिए रख लो। ओके, डन हो गया फुफो जी, डन हो गया। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझू ना? बिल्कुल पक्का हो गया प्रीतो फुफो जी। देखा मेरे शैतानी दिमाग का कमाल। अरे नबील, इस बात का तो मैं बहुत अरसे से घायल हूँ कि तुम निहायत शातर और घटिया तरीन इंसान हो। महमूद साहब, अरे भाई तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, चलो निकालो पैसे। वो पैसे हम तीनों में आखिर में बराबर तकसीम होंगे। हाँ, वो जो आखिर में बराबर तकसीम होंगे, वो पैसे होंगे। हाँ जी। अच्छा जी, चले आए। आया बाबा जी। बट माया तेरी राह पे तक निया। जानू ये देखो, पूरा 30,000 रुपया। तुम्हें नौकरी मिल गई है नबील? कितने अफसोस की बात है जानू, तुम अपने मियां को आज तक समझ नहीं सकते। फिर तो जरूर किसी की जेब काटी होगी या डाका डाला होगा। डाका ही डालना होता ना जानू मुझे, तो मैं पापा जी के यहाँ डालता सबसे पहले। उन्हें तो तुम वैसे भी लूट ही रहे हो नबील। ओहो, करोड़ों की जायदाद, दौलत होने के बावजूद उनका वाहिद अकलौता दामाद अपनी बीवी के सामने हाथ फैलाता है, उन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। शर्म से उन्हें नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए। ओ मेरे मरने से किसका फायदा होगा भाई, लेकिन पापा जी के मरने से दुखी इंसानियत का बहुत भला होगा जानू। शट अप नबील, और सच सच बताओ, कहाँ से चुरा कर लाए हो पैसे? ये पैसे चोरी के नहीं है खूबसूरत, मेरे टैलेंट के हैं। टैलेंट? और तुम में? हाँ, ये पैसे हमने बट साहब और प्रीतो फुफो से निकलवाए हैं। फुफो से पैसे लिए हैं उनकी शादी करवाने के लिए, और बट साहब से पैसे लिए हैं उनकी शादी ना करवाने के लिए जानू। ओह माय गॉड नबील, तुम कितने घटिया हो। थैंक यू जानू, बट आई लव यू। कूल हेल्प।
इकट्ठे जाएगा, मैंने अकेले नहीं जाना है लूल में। लो जी माँ जी, ये आपका हिस्सा और महमूद साहब ये क्या याद करेंगे, ये आपका हिस्सा है। बस और बस, आपने क्या घर बेचा है मुझे? महमूद बाजी, महमूद बाजी। ओ क्या हुआ? वो व्हाट्सएप पता नहीं मुझसे छुप कर कितने बह गए। ओ फुफो, अब वो आपसे शादी के बाद ही मिलेंगे। अभी तुम ना परी तो गांव चली जाओ, जैसे ही शादी की तारीख पक्की होगी हम तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा ब्याह नहीं हो जाता व्हाट्सएप से। कर लो कॉल। अब हम क्या करेंगे मसूद? महमूद। तो इसकी शादी महमूद से कराना? अरे मोमो, महमूद मैं हूँ, तुम इसे समझाओ ना जरा। देख भाई प्रीतो, जब तक तेरी व्हाट्सएप से शादी ना हो जाए ना, तूने इस घर से हिलना नहीं है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं यार? बस मैं तो अब निकाह की तैयारी शुरू करती हूँ और ये खुशखबरी व्हाट्सएप को ढूंढ के देती हूँ। व्हाट्सएप, शादी मुबारक हो। नबील, अब हम करेंगे क्या? महमूद साहब, अब तो व्हाट्सएप को राजी करना पड़ेगा। एक सेकंड, आप लोग जरा मेरी बात गौर से सुने। नहीं है बाथरूम में? नहीं है? बट साहब के पाँव नहीं, बट साहब पूरे के पूरे पड़े हुए। यार बट साहब उठेगा, आप क्या कर रहे हैं यार? मैं उस पागल औरत से डर के छुपा हूँ। बट साहब, हम आपको बहुत बड़ी वो देने आए। वो क्या? रिश्वत? अरे रिश्वत नहीं, खुशखबरी। और कैसी खुशखबरी? आपकी शादी हो गई है प्रीतो से। क्या? और यार नबील, तुम लोगों ने तो मुझसे पैसे लिए थे, भूल गए? और नहीं नहीं बरसन, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि फुफो प्रीतो को कैंसर है। वो तो शादी के 3-4 दिन के बाद ही अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। अरे क्या? मुझे भी करनी प्रीतो से शादी। मैं क्यों करूं प्रीतो से शादी? क्योंकि प्रीतो के पास बड़ी सारी वो है जायदाद, और मरने के बाद ये जायदाद शकूर के नाम हो जाएगी। और कौन शकूर? ओहो, माँ जी के कहने का मतलब ये है बट साहब कि आपके नाम हो जाएगी। ओ फुफो के पास करोड़ों की जायदाद है, मुरब्बे हैं, कुछ 40-50 मुरब्बे। सच मुच बट साहब? ठीक है, फिर मैं शादी के लिए तैयार। लो भाई, दूल्हा मान गया। हे जवान, ओ रो 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 रो। हे जवान, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी। शुक्र है निकाह तो हो गया खैर खैरियत से। अरे बट साहब, आप कितने खुश नसीब है यार कि आपने चौथी शादी कर ली है और एक मेरे नसीब। बट साहब, हुण ना तुसी मेरे नाल मेरे पिंड चलना। ओ पिंड? वो क्यों? वहाँ ना मेरी डॉली की शादी करवानी है ना आपने धूमधाम से। ओ मैं क्यों करवाऊंगा? आप उसके नवे नवे अबू जी जो बने हैं, कम से कम 8-10 लाख रुपए का जहेज देना है आपने। ओ भाई, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तुम अपनी जमीन क्यों नहीं बेच देती? मेरे कड़ी जमीन है। ओ वही करोड़ों की जमीन। और बताओ नबील। वो मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मैं और डोली पिंड में किराए के मकान में रहते हैं। क्या? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि तुम्हें कैंसर है। कैंसर? हाँ, और इन्होंने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी करोड़ों की जायदाद मुझे मिलेगी। बता नबील। मैं क्या बताऊं भट साहब? मैं मुझे आप बताए ना। मैं क्या बताऊंगा? मोमो बताएगी। मैं भट साहब को क्या बताऊं? ये जो कुछ किया घर ने मिस्त्री ने किया। और जिसने भी कुछ किया, अब तुम सब लोग चलोगे मेरे साथ थाने।